झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। इस दौरान 300 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की जा चुकी है। बता दें, बरामद नकदी को गिनने के लिए लाई गई मशीनों ने गिनती करते करते अपना दम तोड़ दिया। फिर विभाग को नई मशीनें मंगानी पड़ी, तब गिनती का काम शुरू हो सका। पहले दिन की रेड में 150 करोड़ की गिनती करने के बाद मशीनें खराब हो गई थी, जिसके कारण गिनती करने का काम रुका था। अब आयकर विभाग की ओर से 3 दर्जन मशीनें लगाई गई हैं। ओडिशा के पूर्व आईटी कमिश्नर शरद चंद्र दास ने कहा कि ये ओडिशा में आयकर विभाग द्वारा अब तक की सबसे बड़ी नकदी की जब्ती हो सकती है। आयकर विभाग को ये रकम साहू के परिवार की ओडिशा में स्थित शराब कंपनियों के कार्यालयों और करीबियों के आवासों पर छापेमारी के दौरान मिली है। आयकर की टीम ने बलांगीर जिले के सुदापाड़ा में शराब कंपनी के मैनेजर के घर छापेमारी कर नोटों से भरे 156 बैग बरामद किए। ये रकम 100 करोड़ से अधिक हो सकती है। वहीं इसके पहले आयकर विभाग के अधिकारियों ने बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बलांगीर कार्यालय में छापेमारी कर अलमारियों में बंद कर रखी गई 200 करोड़ से ज़्यादा की नकदी जब्त की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है धीरज प्रसाद साहू। धीरज प्रसाद साहू झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं। उनका जन्म नवंबर 1959 में हुआ था। बीए पास धीरज जुलाई 2010 में पहली बार कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। 2018 में धीरज एक बार फिर झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा बनाए गए। धीरज को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके भाई शिव प्रसाद साहू लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। उनका परिवार आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। 1977 में राजनीति में आने वाले धीरज 1978 में जेल भरो आंदोलन में भी हिस्सा ले चुके हैं। वहीं धीरज के हलफनामे के अनुसार उनके नाम पर 1.51 करोड़ रुपए कीमत के कुल 4 कारें हैं। इनमें 87 लाख रुपए की सबसे महंगी कार BMW KV42, 32 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर, 24 लाख रुपए की रेंज रोवर और 8.5 लाख रुपए की सबसे सस्ती पजेरो कार है। धीरज साहू ने कुल 14.85 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति होने का दावा किया था। सांसद ने अपने हलफनामे में 5 जगह खेती की जमीन और 1 जगह गैर खेतीहर जमीन होने का जिक्र किया था। कांग्रेस नेता ने खुद और पत्नी के नाम पर लोहारदगा, कोलकाता, रांची और दिल्ली में 4 रिहायशी घरों और फ्लैटों की जानकारी दी थी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के अन्य नेताओं ने इस मामले पर चुटकी ली और सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए टिप्पणी की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि जनता से लूटा गया पैसा लौटाना होगा। उन्होंने लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखते रहिए नवोदय टाइम्स।